पार्टी हैं, बहुत सारी हैं। अभी अभी ताज़ा ताज़ा हम लोग चुनाव हारे हैं, कार्यकर्ता हताश है, निराश है और कई किस्म की बातें हवाओं में इस समय तैर रही हैं। तो मेरा काम कठिन है इस समय, लेकिन मेरे को पता है माँ गंगा के आशीर्वाद से मैं उसको पार पा जाऊँगा। जिस तरह की उथल पुथल तो नहीं है। देखिए, कई लोगों ने सनसनीखेज न्यूज़ बनाने के लिए एक चलाया था कि 10 विधायकों की मीटिंग हो रही, फिर वो नई मीटिंग हो पाई तो वो ख़त्म हुआ। फिर कल करण मेहरा के शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा होगा, लगातार आ रहा कि इतने विधायक नहीं थे। अब मैं उसकी हकीकत बताता हूँ। प्रीतम सिंह जी के यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ, सबको पता है, तीन लोग एक ही परिवार के, उनके बहुत खास क्लोज लोग थे, वो ख़त्म है। प्रीतम सिंह जी वहाँ थे, लगातार मुझसे फ़ोन पर वार्ता कर रहे हैं। उसके अलावा तिलकराज बेहड़ जी बीमार हैं, नोएडा में एडमिट हैं, ये सबको पता था। भंडारी जी बीमार हैं, एडमिट हुए हैं, 3 दिन हो गए, वो सबको पता है। ममता राकेश जी और फुरकान जी कल का जो घिपला हुआ है परसों रात का भगवानपुर में, उसमें बिजी थे वो दोनों, आज हमारे CLP की मीटिंग में थे। हमारे अधिकारी जी के घर में कोई घटना घटी, उन्होंने पत्र लिख के माफ़ी मांगी, वो पत्र मैंने सार्वजनिक कर दिया है। उसके अलावा हमारे गोपाल राणा जी आज उपस्थित थे, क्योंकि कल ही रात भारत पहुंचे वापस, कहीं बाहर गए हुए थे पूजा पाठ के लिए, विदेश गए थे, तो वो कल पहुंचे। तो ये 15 की संख्या होती है। तो ऐसी और भी 2-3 जो लोग बेचारे किसी शादी की वजह से या किसी वजह से नहीं आ पाए, उसको लोगों ने एक माहौल बना रखा, अंदर सब कुछ ठीक है। हाँ, जो आपस में मनमुटाव था उसी के लिए मुझे भेजा गया है कि मैं उसको, लोगों के बीच में जो गैप है उसको मैं सेतु के रूप में, पुल के रूप में उसको काम कर सकूँ और सबके बीच में जो मेल मिलाप है उसको कर सकूँ। धामी जी के वक्त ऐलान किया है। देखिए, उन्होंने ऐलान किया, पहले मैं उसको इतने सीरियसली नहीं ले रहा था क्योंकि वो छोटा भाई जैसा है हमारा, भांजा है हमारा, लेकिन अब जिस तरीके के बयान है उसका परीक्षण करने के लिए हाई लेवल एक कमेटी बना दी है। वो कमेटी उसका परीक्षण करेगी, जो उन्होंने बयान दिए इत्यादि दिए, अगर वो पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा खराब होंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो या मेरे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा तो निश्चित डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह की कांग्रेस के लिए बनी है, कांग्रेस को पुनः से एक ही प्लान है कि मैं ग्रास रूट वर्कर पे काम करूं। अभी तक पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा, नेताओं की पार्टी रही है। मैं चाहता हूं जमीनी कार्यकर्ता की पार्टी बने, एक परिवर्तन आएगा। और मैं 71 की याद दिलाना चाहता हूं, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी को सब ने छोड़ दिया था, उससे बुरी स्थिति कभी नहीं आई, और उसके बाद जो बाउंस अप किया है और इंदिरा जी पूरे देश में छाई हैं, कांग्रेस दोबारा से आएगी और उसकी अलग जो है इसी उत्तराखंड से इस गंगा माँ के स्थान से होगी। हमारे साथी हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और तैयारियां कुछ कम रही, कुछ दिक्कतें रही, वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत मजबूती से ये उभरेंगे और पहली सीट हम हरिद्वार की देने देंगे। नाराजगी की बात हो रही है? कोई नाराजगी नहीं, मैंने वही कहा ना, 15 तो आज कंप्लीट हो गए, मैंने जो आपको नाम गिनाए हैं 4 रह गए हैं, उन 4ों से भी बात हो रही है। उसमें मयूख मेहर जी अपने गाँव में है, वो नहीं आ पाए, तो ऐसा कुछ नहीं, हम सब लोग एक ही पार्टी के लोग हैं। हरीश छोटा है, हरीश की बात को बहुत लोग बड़ा चढ़ा के कह रहे, चटकारे भी ले रहे हैं, पर मेरे को पता है कि वो कैसा है, बाहर से कड़क है वो नारियल की तरह, बाहर से कड़क अंदर से नरम, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उपचुनाव होने जा रहा है, धामी जी चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत से हम उनके पार्टी के विरोधी हैं, हम कांग्रेस संगठन के लोग हैं, हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, हम RSS और BJP के जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनका पूरी तरीके से कराते हैं, जाति धर्म के झगड़े कराते हैं, उनको ना तो सनातन धर्म ने कभी माफ़ किया ना ही कांग्रेस ने। मांग यही है कि मेरे प्रदेश में पूरी शांति हो, खुशहाली हो, सबके घरों में अच्छा हो, सबके बच्चों को अच्छी बुद्धिमता मिले, वो उनका जो उनका कैरियर है वो बहुत अच्छा हो, मेरे राज्य खूब तरक्की करे और भारत का सबसे समृद्धशाली, सबसे मजबूत राज्य के रूप में उत्तराखंड जाना जाए और यहाँ के लोगों का जनजीवन जो है वो बहुत खुशहाल हो, यही माता से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ।